नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 18 है। मित्रों आइए शुरुआत करते हैं। 1857 की क्रांति से संबंधित यह सीरीज है और जितना प्रश्न आप लोग को बता रहा हूं ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। एक बात और कहना चाहूँगा आप लोगों को कि ऊपर हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर भी लिख दे रहा हूँ, यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर सकते हैं। ओनली 200 केवल 200 रुपया में आप लोग को बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री की पूरी टेस्ट सीरीज, पूरा मटेरियल, टॉपिक वाइज सारा नोट्स आपको मिलेगा, ठीक है। तो जिनको भी चाहिए व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ऊपर दिया गया है व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न 54 देखिएगा, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो किसने भाग लिया था? नाना साहब ने, बेगम हजरत महल, मौलवी अब्दुल्ला, बेगम जीनत महल, तो सभी ने भाग लिया था, इसलिए ई ऑप्शन जो है सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक कारणों के फलस्वरूप 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ। लखनऊ में इस विद्रोह का प्रारंभ जून 1857 में हुआ। यहीं पर इस विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब के द्वारा और फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अब्दुल्ला के द्वारा किया गया। बहादुर शाह जफर की पत्नी बेगम जीनत महल प्रत्यक्ष रूप से इस विद्रोह में भाग लेती। प्रश्न 55 देखिएगा, लाइन पे बने रहिए। क्रांतिकारियों के नाम हैं और स्थान ये आपको सुनिश्चित करना है। तो नाना साहब कहाँ से हैं? नाना साहब जो हैं कानपुर से क्रांति का नेतृत्व किए थे। नवाब हामिद अली खान दिल्ली से, मौलवी अब्दुल्ला लखनऊ से, मणिराम दीवान असम से, इस तरह से आप लोग मिलान कर सकते हैं, ठीक है। प्रश्न 56 देखिएगा, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। प्रश्न 57 देखिएगा, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न 58, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न 59 देखिएगा, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। प्रश्न 60, 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो यह जनरल हैरसे ये था। मार्च 1857 में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे के समय विद्रोह के साथ बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर बेनेट हैरसे कमांडिंग ऑफिसर थे। प्रश्न 61, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया। प्रश्न 62 देखिएगा, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो पॉमस्टर। जिस समय भारत में 1857 की क्रांति हुई थी ब्रिटेन में विस्कॉट पॉमस्टर, हेनरी जॉन लेपेंस एंड तृतीय विस्काउंट पॉमस्टर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। इसका कार्यकाल 1855-58 तक था। प्रश्न 63 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है? तो कर्नल सेंट लेगर, लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स, कर्नल वैलेस, तो सबका नाम, किसी का नाम जुड़ा नहीं है, ठीक है। ये सभी लोग 1857 की क्रांति से नहीं संबंधित हैं। प्रश्न 64 देखिएगा, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण असफल रहा? तो किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन में कमी, तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है। यह आप पूरा पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख लीजिए। प्रश्न 65 देखिएगा, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि? तो कई सारे कारण थे, भारतीय सिपाहियों में देश की एकता में कमी थी, प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था, ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित एवं सुसंगठित थे, उपरोक्त सभी, तो विकल्प डी जो है आपका सही है, उपरोक्त सभी, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। प्रश्न 66 देखिएगा, अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि? तो क्या रीजन था दबाने में सफल रहे? तो चारों ऑप्शन देख लीजिए, विकल्प ए जो है आपका सही है, स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, तो विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 67 देखिएगा, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? तो किसने खोया था लखनऊ में अपना जीवन?
तो जनरल नील, मेजर जनरल हैबलॉक एवं सर हेनरी लॉरेंस, तो दो तीन चार तीनों सही है, विकल्प सी। ठीक है, 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में जनरल निकलसन घायल हुए और 23 सितंबर 1857 को उनकी मृत्यु हुई। लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज जनरल रेजिडेंस की रक्षा करते हुए सर हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक और जनरल नील की मृत्यु हो गई। यह आप लोग मिलान कर सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, ये आप अच्छे से देख लें, थोड़ा समय लगेगा इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ देता हूँ, इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न 69 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर, विकल्प जो है आपका समय आपका सही है। देखिए मित्रों, समय बहुत कम बचा हुआ है और मैं ही चाहता हूँ, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी करके बता रहा हूँ ताकि आप लोग का बहुत जल्दी यह पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए। सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था। आउट्रम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र है जिसने हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया था। जॉन लॉरेंस ऑफ सीले के अनुसार यह केवल सैनिक विद्रोह था। जॉन सीले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतया देशभक्ति रहित स्वार्थी सैनिक विद्रोह था जिसमें न तो कोई स्थानीय नेतृत्व ही था और न ही सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था। इसके अनुसार यह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था। टी आर होम्स ने क्या कहा? यह बर्बरता और सभ्यता के मध्य युद्ध था। प्रश्न 70 देखिएगा, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था तो वह कौन था? बी डी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। उन्होंने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। प्रश्न 71 देखिएगा, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नारा किसने दिया था? तो विनायक दामोदर सावरकर ने, विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 72, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था तो कौन था? सरकारी इतिहासकार विनायक दामोदर सावरकर। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्रनाथ सेन, जिसकी पुस्तक 1857 में प्रकाशित हुई थी। प्रश्न 73 देखिएगा, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो यह कौन थे? तो सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान द्वारा लिखित पुस्तक अब अशबाब ए बगावत ए हिंद 1859 में प्रकाशित हुई थी जिसमें 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा की गई थी। प्रश्न 74 देखिएगा, तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन संबंधित है? आर सी मजुमदार ने यह बातें कही थी। आर सी मजुमदार ने अपनी पुस्तक द शिपवाय मिनोटी एंड द रिवोलियन ऑफ 1857 को स्वतंत्र रूप से वर्ष 1957 में प्रकाशित किया था। मजुमदार ने ही 1857 के विद्रोह को तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम, यह बातें इन्होंने कही थी। प्रश्न 75 देखिएगा, किसने लिखा था इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथा कथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम, तो यह आर सी मजुमदार ने यह बातें कही थी। प्रश्न 76 देखिएगा, 19वीं सदी इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार, देखिए इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार कौन थे? डॉक्टर आर सी मजुमदार और एस एन सेन। यहाँ पर इसका व्याख्या ही देख लेते हैं। डॉक्टर आर सी मजुमदार व डॉक्टर एस एन सेन जैसे इतिहासकार 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद को भूढ़ावस्था में मानते थे। ठीक है, तो मानते थे भारतीय राष्ट्रवाद भूढ़ावस्था में है। ठीक है, प्रश्न 77 देखिएगा, 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृत प्राय बना दिया, विकल्प सी जो है आपका सही है। 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप भारतीय शासन की बागडोर कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई तथा उसकी शासन प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन किया गया। अतः 1857 की क्रांति के संदर्भ में प्रश्नगत विकल्प सी की अवधारणा सही है। प्रश्न 78 देखिएगा, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 को। 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया था। एक भारत मंत्री या सचिव को या 15 सदस्यीय वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई थी। प्रश्न 79 देखिएगा, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था, निम्न आश्वासनों में कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? रियासतों को हड़प करने की नीति समाप्त कर दी गई थी, तो ये थोड़ा आश्वासन दिया गया था।
1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा थी। यह घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई थी। इसमें भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया था। इस घोषणा में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक लगा दी गई थी। लोगों की धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, एक समान कानूनी सुरक्षा सबको उपलब्ध कराना आदि शामिल था। भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का प्रत्याग कर दिया गया और सरकार ने राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान की, तथापि अन्य आश्वासन ब्रिटिश शासन द्वारा पूरे नहीं किए गए। प्रश्न 80 देखिएगा, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? तो 1 व 2 जो है आपका सही है। भारतीय राज्यों की ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की के लिए किसी भी विचार का प्रत्याग करना, और दूसरा है भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत लाना। तो दोनों बातें सही हैं, विकल्प जो है आपका सही है। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने 1858 को एक अधिनियम लागू किया जिसे भारतीय प्रशासन सुधार संबंधित अधिनियम कहते हैं। इस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया और ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रदेशों का सप्रबंध सीधा अपने हाथों में ले लिया। इस अधिनियम के तहत 1858 में महारानी विक्टोरिया ने घोषणा की थी, जिसमें यह घोषित किया गया था कि अब भारत की शासन ब्रिटिश शासन के द्वारा उनकी सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के द्वारा चलाया जाएगा। ये सब बातें हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के पील आयोग बना था? ठीक है, पील आयोग के बारे में ये सब बातें हैं, देख लें। और लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न 82, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किन प्रांतों से चयन किया था? तो गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तरी प्रांत, विकल्प सी जो है आपका सही है। यह व्याख्या आप देख सकते हैं। देखिए 1857 की क्रांति से संबंधित 82 क्वेश्चन करा चुका हूँ, और यह बात आप जान लीजिए, यह 82 क्वेश्चन अगर आप कंप्लीट करते हैं तो 1857 की क्रांति से संबंधित जितना भी क्वेश्चन आएगा यहीं से आएगा, यह बात आप जान लें। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।